जिस चमन के सुरक्षा को बना। आप लोग यही कांड सुन ला, ये आपके बगल का कांड है। बागवा जिस चमन के तू रक्षक बना, बन के भक्षक नहीं बुल उजाड़ा करो, जब की रक्षक ही भक्षक खुद बन जाएंगे, क्या कहेंगे विधाता तू फैसला करो। ऐ गुलिस्ता के प्रहरी तेरे हाथ से, तेरा हमदर्द राही जल उठ जाएगा। गीता कुरान की सान माटी में मिली, जब मानवता से विश्वास उठ जाएगा। आज खूनों की होली मनाई गई। आप लोग बड़े भाई के भूमिका में सुने, भूमिका में सुने कि पहले वो गांव कैसे कैसे लोग जन्म लेते थे। ये वही गांव नहीं, हमारा देश भारत सोने का चिड़िया कहा था। पौने आठ 3 मार्च का दस्तान सही, नारायणपुर का मोहन था फौजी जवान सही। ठीक बगल का दस्तान है, 3 मार्च की बात है। पूर्णिया जिला नारायणपुर गांव का रहने वाला, बंबई में मिट्टी में अपने देश का रक्षक। बाबूजी घर से पत्र भेजे, क्या 11 मार्च बहन रेखा की सगाई है, उतरा स्टेशन घड़ी 11 बजाई है। 11 मार्च को शादी तेरे बहन की, पत्र को पाते हैं चल दिए अपने स्टेशन आइलन नारायणपुर। रात में ट्रेन से उतरे, 11 बज रहा था, 2-4 कुली को बुलाए सामान पहुंचा दो, लेकिन सबके सब इनकार कर गए। जमाना जल रहा है, रास्ता खराब है, आप न जाइए सुबह में हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन नौजवान सिपाही वर्दी में थे, तैस में आए। मेरे नसीब में जो कुछ होगा तेरे कहने से नहीं टल सकता है, अटैये सामान लेलन चल देलन। आज जब बगीचा के नजदीके पहुंचल, वास्तविकता सच निकली। एक जोरदार आवाज मिलती है, आवाज के साथ साथ देख रहे हैं कि बंदूकधारी चारों तरफ से तैनात, बंदूक लेके खबरदार रुक जाओ, सामान है तू नीचे। नौजवान खड़े हैं सामान को लिए, आप लोग तर्ज सुन ला है। खयर चुनावा बस के घरवा से आई लो खरी बिगाड़ के देहल। अरे वो खरी बिगाड़ के देहल, कैसन इनके गौवा के चला न, वो खरी बिगाड़ के देहल, इनके गौवा के चला को न जानल है, वो खरी बिगाड़ के देहल। अरे वो खरी बिगाड़ देहल, अब वो खरी में कुटले रहल धान, वो खरी बिगाड़ के। ए भैया लेकिन गाने के बोलबा ध्यान देंगे, हम भी पगिया में पहुंचा जवाना, डाकुन से घेराई गई ले हो राम। अरे गरजा है डाकू सरदार तमनवा, डेराई गई ले हो राम। चारों तरफ से आवाज मिली कि सामान नीचे रख दो, कपड़ा भी उतार दो, नंगा हो जाओ शरीर पर अंडर बियर। जब जंघियाप हो गए तो बोले सिपाही जी के, रे भाई साहब अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, आप लोग लेना क्या चाहते हैं? जान है, जान छोड़ दीजिए। एक मिला को दर्द आई, बोला कि ठीक है आगे तब मत बढ़ना, जाओ वापस लौट जाओ। जब वापस गैलन है, जब स्टेशन पर तो उस समय 12:00 कुछ हो रहा था, सोच रहे कि मैं जाऊं कहां पे, कहीं जान न पहचान, सुबह में मुझे लोग देखेंगे, अगल बगल के लोग पहचान जाएंगे, मुझसे कहेंगे मैं सिपाही हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं जवाब क्या दूंगा, तन्हाई होगी। इससे अच्छा है जितना दूर हमारा घर है
उतना ही दूर मेरी ससुराल है। एक चीज बाकी वही हमारे गौना नहीं भैल हो, ससुराल में जाके शरण लूंगा। डेढ़ बजे रात में मेरे ससुराल में पहुंचल है, ससुर के मकान का दरवाजा दोनों तरफ, पीछे का सीकड़ी खड़खड़ौलन, अरे कोई है दरवाजा खोलो। उस मौके पर वही लड़की उसकी माँ माई कोई आवाज दे था कलिन की दरवाजा खोल मत पहले पहचान ले दे, कोई डकैत ना न। लेकिन मोहन सिपाही बोले कि पहले दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खुलल है वो समय मोहन सिपाही रो के कहलन का, अरे हमारा के देईदा आओ हमारा के देईदा, एक बसनवा ये माता हमारा के देईदा। विपत के बताई गई ले, ले पाई गई ले, अमीरा भाई प्रफुल्लित मोरे सजनवाई माता। लड़की खुश है आप बच गए, जीवन बच गई, अगर जिंदगी रहेगी तो आप बड़ी दौलत कमाएंगे। आप घबरा न, कले हैं कि तिलक चढ़ी है सवेरे। आप पहले में हम बतौली एक बात कि अगर ये पैसा पावे ते खजिन है उसकी, तनी अपने मलिकार से कह दे मोहन सिपाही आलबा। लेकिन ई दशाबा गौर गईकार मलिकार के नौजवान बेटवा आए के खमिया में लालटेन जलावत हुन, बुढ़िया जा कले के रे सुतलवा राम कर दुआ तुहार दमाद आलबा। ई हालत हो जब ई बात दोनों बाप बेटवा सुनलन, गुने ससुरिया और साला, अरे भैया गारा मम्मा साला गुने पहचाना नहीं। लड़कवा कलस के रहे ये कैसन घबराए के बतियावत हुआ, कहले की बात यह है गुने ससुरिया रसाला, अरे भाई ना गरम मसाला, कहीं तब कलू टली जा, अरे ही तब कलू टली जा समनवा ये तनी पारे के बोलावा तब गांव में मजा आई। पारे कहा गलती है हो गई कि मैंने नहीं पहचाना लेकिन तू भी नहीं पहचाना। अरे पगला अपने मेहमान को हम लोग लूट लिए। लड़कवा कलस की घबरा मत, अरे सामान अपने पास है मेहमान भी अपने पास है, समनिया आस्ते से दे दा मेहमान कहदा घर जाए बात बनी की बनी रहेगी। मगर बुजुर्ग बोला के रे पगला अधेड़ अवस्था कल की सुना बिरहा में टेरी का भाव, अरे पिता की क्या परिभाषा हो गई कविता काप गई खग जाने खग की भाषा 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 भाषा। साला ससुर करते हैं राय, कहलन की बचवा बात यह बिगड़ गई, साला ससुर करते हैं राय मरी से तबाह करके वरना फंसा देगा जाल में कहेगा सबसे जा करके। बेटवा उपाय एक अच्छा बात, एक एक घरों में दबा के मार दे हल्या, न जिंदा रही न कोई से बताई न हम लोग पकड़ाई, इसलिए कि सामान आधा मन के पास हो आधा हिस्सा तो वो दोनों लेके चले गए। लड़कियां मीरा निकलल की देखी बाबूजी आज का बतियावत हुन, जब खोपवा खड़ी भइल तड़प उठी मीरा सुन करके, तड़प उठी मीरा सुन करके माता से जा बोली है सिंदूर बचाओ ऐ माता खतरे में मेरी डोली है। लड़की दौड़ करके अपनी मतारी की भरकवार पकड़ कर समाई, बात कुछ घर ही बात, बाबूजी भैया लुटलन अब बाबूजी भैया आज मिटावे के भी सोच में हुवन। ये बाग के लगाव वाला ही है लेकिन उजाड़े वाला ही है, उपाय लगाती है बेटी की बात सुनकर के बूढ़ी उपाय यही लगाती है कि बोली सासु भागे जा राला नहीं सुबह लोगवा मरी है ताना। बूढ़ी बुला करके सिपाही जिसे कहती है कि भैया मोहन हमार बात मान ला,
तो इतनी पर कपड़ा पहला चल जा ए लिए। अरे लाल अरे मोरे लाल नहीं तो लोग यही कहेंगे अरे बिना रे गवाना बाहू नहीं दमाद गौना भैले पयावलन अब फलाने के दमाद बिना गौने भैले चल देलन हंसी उड़ाएंगे सब लोग ताना कसेंगे बेटे इसलिए कपड़ा पहन लो आप चले जाओ। ये बात सुन के मोहन सिपाही के आंख से आंसू आ गल कहलन की माई सब कुछ ठीक हो तू भी एक धर्म की माँ है मैंने बहुत कुछ सोच करके आया था मैं ससुराल करने के ध्येय से नहीं आया था लेकिन सुखावा दुखावा में सुखावा सब भूल लेकिन आज उससे बड़ी तकलीफ हो गई। ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकिन एक बात याद करना ये रिश्ता रिश्ता नहीं अब हमारे तेरे बीच में कोई नाता नहीं। मोहन सिपाही निकलन चल देलन जब जाए लगलन है उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ मीरा कहती क्या है अरे सजनारी मीरा रोकर कहती है सजनारी अभी हरी है राजनी सजनी याद करे बाकी है इस बात में कुछ राज है आप जा रहे हैं लेकिन सोच विचार करके जाइएगा माँ जो कही है आपको ताना नहीं कसी है लेकिन नौजवान सिपाही जब अपने मूड में भैलन है एक बात पर गौर नहीं किए निकले चले तो चल दिए जब कुछ दूर गैलन है तब तक फिर बूढ़े को उनके बेटे को पता चल गया अरे यार मोहन तो निकला घर से चल दिया बाप बेटवा कहला कि बहुत सुनहरा अवसर मिल गया हाथ में टार्च बल्लम गड़ासा लेके चल देलन सीमान में अगर हम लोग मार देते हैं कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि मेहमान है लेकिन जब रोशनी देखलन लाइट के मोहन सिपाही गौर कर लगलन कि मीरा कुछ कही है मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन बाप बेटवा आ रहे हैं हमके मना वाली बात है तो फिर हाथ में बल्लम गणासा क्यों है देखे इसी बात मोहन सिपाही को कुछ यकीन हुआ एक बरगद का पेड़ था चढ़ गए दोनों बाप बेटे चारों तरफ जंगल झाड़ में खोजे मगर मोहन सिपाही की झलक तक नहीं पाए हापलेस होकर के तब तक सूर्य उदय हो गए जब सुबेरा हो गया दोनों बाप बेटवा वापस घर के एलन है बल्लम गड़ासा लेके मुंह नीचे कैले मोहन सिपाही बरगद से नीचे उतर के थाने में गैलन है आप लोग दरोगा जी के बात सुनो कि 15,000 पाए के बैठ गैलन थाने में गैलन है दरोगा जी लोटा में पानी लेके मैदान के लिए जा रहे थे बोले सर आज की बात है और अगर आप अपने हाथ से रिपोर्ट लिख लेते बहुत अच्छा होता। दरोगा जी चेयर मंगा के बैठ गए कुर्सी बैठ करके दरोगा जी लिखते हैं रिपोर्ट कलम से रिपोर्ट में सिपाही क्या अरे थानावा में जाके मोहना लिखा रिपोर्टिया हो हम बाटी फौजी जवान हो दारोगा जी 11 मार्च बाटी बहिनी रेखा कई सगैया हमारे रहिया में लूटल सैतान हो दारोगा जी लेकिन सर
मैं पहचानता हूँ, उन्हें जानता हूँ, वो कौन है उनके नाम को नोट करें। जवन ससुर द्वारे धोवले हमरो पयरिया हो, अरे मोरे साथे दिहले कन्यादान हो दरगा जी। एक साला एक ससुर दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन दो को मैं नहीं पहचाना दरोगा जी, गफलत इस बात की है। लेकिन एक बात और है, एक मुलजिम अगर गिरफ्तार होता है तो उसके जरिए सबका पर्दा खुल जाता है। आप पहले उन दोनों को पकड़िए। दरोगा जी कहने लगे, ठीक है भाई मैं अभी पकड़ता हूँ। लेकिन चौथ की बात मोहन लिखलाने को चाहते हैं, तब तक मोहन सिपाही की निगाह दरोगा जी के कलाई पे पड़ गई। दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, बाएं हाथ से डायरी को पकड़े हैं। जब घड़ी की तरफ मोहन सिपाही देखलन है, कहले कि दरोगा जी रिपोर्ट बंद करें, दरोगा जी रिपोर्ट बंद करें, भाई दरोगा जी रिपोर्ट बंद करें। कहले करे बात क्या है? कहले कि बात तो बहुत बड़ी हो गई। कहले कि खोल करके बताओ। कहले कि बताऊंगा यार। ए दरोगा, आज मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि आज समाज को बता देना चाहता हूँ आखिरकार बात क्या है। कहले कि नहीं अभी बताओ। कहले कि अभी बता दूंगा। अरे हाथावा में घारी तुहारे, अरे गले में सी करिया हमार, अरे कलम अंगूठी कैसे आइल थाना दरम्यान हो दरोगा जी। अरे दरोगा जी जो हाथ में घड़ी पहने वो घड़ी हमारी है, जो गले में सिकड़ी दिखाई दे रहे वो सिकड़ी भी हमारी है, जिस कलम से रिपोर्ट लिख रहे हैं कलम अंगूठी चारों समान हमार बा। आज रात का बात, अभी हम सुबह में पहुंच आए, मुझसे पहले मेरी समान कैसे आ गई दरोगा जी। दुख की बातें हैं। दरोगा जी कहना कि साला इसका देखो हमें चोर बना रहा है। कहना कि हाँ आप उस लायक हैं, आप चोर हैं, इसलिए मैं चोर कह रहा हूँ। दरोगा जी कहला है कोई कांस्टेबल। दो नौजवान सिपाही सिपाही को दोनों तरफ से पकड़ लिए। दरोगा का गैला पगलाया के थाना में, अरे कहे दरोगा का गैला पगलाया के थाना में, और तुरा सिपाही दिहले मुसुक चढ़ाया के थाना हमें बुलवाए थानेदार हो, सब है फंसा देगा इसको जल्दी देव जान से मार हो। चौकीदार साहब को दरोगा जी भेजे कि जाओ इसके साला ससुर को बुला लाओ। चौकीदार गए, इन्हें नहीं मालूम और राज क्या है। उस मौके पर लड़की मीरा, उसकी माँ, उसके पिता और उसके भाई चारों मूर्ति बैठे थे। चौकीदार जाकर के कहलन, अरे दरोगा जी बोलौलन है थाने में कोई आदमी आपको गैल बा। दोनों बाप बेटवा एक दूसरे की तरफ देख लगे कि बस 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 एकर मतलब हो कि मोहना पहुंच गल। थाने की रास्ता पकड़े बाप बेटे सज करके, अब हम लोग कितना मेहनी से काम करेंगे कि शायद थाने का कोई सिपाही तक भी नहीं जानेगा। लेकिन जब थाना का रास्ता पकड़ल है, मीरा कांप गई कि एकर मतलब हो कि आज विधाता हमार जोड़ी फोड़ ही पे लगल हुए, आज हमें विधवा बना करके ही छोड़ेंगे। जब मेरे बाप बेटे थाने की रास्ता को पकड़े हैं, मीरा माँ से बहाना करती है, माँ मैं आ रही हूँ, बगल में बस स्टॉप था, बस को पकड़ती है, मीरा कोतवाली में चली गई। कोतवाल साहब के पैरों में लिपट के बोलती, बापू ऐसी सी बात है, आज अगर आप नहीं बचाते हैं और जल्दी नहीं करते हैं तो सदा के लिए ये लड़की विधवा बन करके घूमेगी। कोतवाल साहब ये बात सुन करके तुरंत फोर्स के साथ चल दिए, मगर थाने के बीच मोहन सिपाही के साथ बढ़िया मुन्ना व्यवहार कैसा हो रहा है। आए हमारे थाने में मोहन को चार मिला मार रहे गरमाई हो, अरे बोले मोहन रुपया खाती न बाबू गया गलाई हो। दो सिपाही और दो ये बाप और बेटे चार मिला क्वार्टर में बंद करके मोहन सिपाही को मार रहे हैं। मोहन सिपाही हाथ जोड़ करके बोले, बापू
अरे अपने बिटिया के अपने हाथ से विधवा करल चाहत हुआ। ठीक हो, तोरे पास दौलत हो, अपने बेटी का शादी कर देवा, लेकिन हमार जान छोड़दा ए लिए कि हमारे पास और कोई सहायक ना हो घर में। बाबूजी नेत्रहीन है, अगर हमारा जान बच जाएगा तो अपने बहन को हम और कुछ न दे करके, लेकिन 11 मार्च को डोली में बैठा के विदा तो कर दें। जरा भी रहम न खाए, जरा भी दर्द नहीं आई, उसे मार करके जो थाने में बड़ी पेटी आती है उसी पेटी में बंद किए, एक काप ला दे और दो अन्य कोई को लगा दिए, ले जाओ इसे नदी में फेंक दो। कोई पूछे तो कुछ मत कहना, इसे नदी में फेंक दो। लेकिन बाबू जी कवि के लिखे के पड़ गए, यही देशवा में कोई पापी जाला। बढ़िया, यही देशवा में कोई देवस पूजाया, अरे यही देशवा में भैली झांसी वाली रनिया, की पता का दहली रण में फहरा। सब थाने पे आ गए, एकता लेकर के नौजवान दोनों कुछ दूर चले गए, लेकिन जब थाने पर आए कोतवाल साहब दरोगा इसे पूछने लगे, अरे कहला दरोगा ये का आया था जवानवा, कभी चला गया हो गया अपने मकान, अरे चोरी हत्या पाप ना छिप दुनिया, जैसे खैर खून खासी भैया मधुपान, तीन छिपाए न छिपे चोरी हत्या पाप, लेकिन सर की लाइन में भी लिखे, खैर खून खासी खुशी बैर प्रीत मधुपान, इसे दाब कोई नहीं पाया चाहे मानव हो या भगवान। बाबूजी कोतवाल साहब की पूछने में दरोगा जी बोले कि हाँ एक मोकिल आया था, कुछ लिखाया, लिखा के चला गया। दरोगा जी इतना बात कहते हैं तब तक संजोग से एक नौजवान उधर से आ रहा था, जिस रास्ते से एक्का जा रहा था, नौजवान कोतवाल साहब से मिल के बोला कि सर ऐसी सी बात है, थाने की पेटी और कोई अन्य आदमी के साथ हमें शंका है। कोतवाल साहब इशारा कर दिए, दो पुलिस नौजवान दौड़ पड़े, एक्का को जो है गिरफ्तार कर लिए। जब एक्का सहित पेटी थाने पर लाई गई, जब ताला खोल करके हुआ क्या, हाय अरे पेटिया को खोले अमली मोहना का लसिया की, अब तब परनवा भाया लसिया। पेटी खोली गई, पेटी लाश निकली, एक बात और मिला, मोहन के शरीर से रक्त चल रहा था, हर एक अंग टूट गया था, लेकिन उसके साथ साथ मोहन सिपाही की सांस भी चल रही थी, अभी मरे नहीं थे। जो अपने पति के इस हालत में, अपने पति को इस हालत में धरती पछाड़ा खा के गिर गई, रो के कहती क्या है, हाय अरे फट गया शरीर, गिर गई ठाड़ी पगली, अपने प्रीतम का सुरतिया हो निहारी पगल, अपने बाप से लज्जा का पर्दा खोल कर कहती, अरे पापी द्वारे बाजी सहनाई बापू दे हला कन्यादान, काहे ना जन्मत बापू ले ले हला हमारे जान, ना देखती हो विपतिया निहारी पगली। अरे पापी अगर तुझे अपने ही हाथ से उजाड़ना था तो इस बगीचे को लगाया क्यों, जन्म देकर के मार दिया होता, दौलत बच गई होती ना। बाबूजी मोहन सिपाही के नजदीक पहुंचने में 4 कदम का फैसला, लेकिन हाथ उठा करके मोहन सिपाही अपने दम को तोड़ दिए, मेरा लाश गिर गई विधाता, सोच लिया था कि आज तूने मुझे विधवा बना करके ही छोड़ेगा, लेकिन कुछ है दूर पे मोहन सिपाही घर था, जब पिताजी खबर पाते हैं, बेचारे नेत्रहीन थे, लाश गिर के रोते हैं, अंधे की लकड़ी विधाता तूने उसको भी छीन लिया। मीरा अपने ससुर को पकड़ के कहती है, बापू एक बात सुनो, देखें लड़की की चलाकी सूझबूझ देखें, एक बात सुनो, मोहन की जगह पर मीरा, आज तो हर बेटवा मर गेलन त काई पतो हो मर गई, आय हाय बापू एक बात ही हो, जब तक आप जिएंगे बेटी बन के या पतोह बन के या बेटा समझिया, तो हर सेवा करिहन, एक लाइन कवि को रच करके लिखना पड़ा, बिना गवने बालम के घर में जाती है मरलाई,
अब हमारे एसपी सब है पकड़ के जेल दिए भेजवाई तो लोगावाद लोगावाद देखी के पीटर छाती हारी हारी अब सिर के रामलाल कहे खत्म हुआ दस्तान विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन स्नेह पुराण अरे गीता की क्या परिभाषा हो गई अरे मुस्तफा नंदलाल के पूरा कैदा यादा गीता की क्या परिभाषा